हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आ रही है अभी इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ अटके हुए हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें आपका प्यार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आप जिस तरह से इनकी केयर करते हो, इनके बारे में पूछते हो, इनका ख्याल रखते हो, ये चाहे आपसे कितना भी गुस्सा कर लें, आपसे झगड़ा कर लें, बट आप इनके लिए कभी भी आपका प्यार कम नहीं होता है। तो इनको आपकी वो जो एनर्जी है ना, वो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और बहुत जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली 4 आवर्स 4 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो 4 आवर्स 4 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर हो सकता है। इवन काफ़ी लोगों के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ की भी एनर्जी है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत रूडली बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं और उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि ये कब बाहर आएंगे। आपके पर्सन बहुत जल्द आपका जो इंतज़ार है उसको ख़त्म करने वाले हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से बहुत जल्द रिसीव हो सकती है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके बिना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। डिप्रेशन की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है और इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं उस पर भी इनकी नज़र नहीं है। इनका सारा ध्यान आपकी तरफ है। तो ये थी गाइस आपके पर्सन की एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच।